कमर्शियल कॉमर्स गुरुजी पर, और जो आपका चैप्टर चल रहा था इश्यू ऑफ शेयर्स, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 62 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ 63 से। 63 क्वेश्चन करने से पहले कुछ बच्चे डेली मुझसे मेंबरशिप के बारे में पूछते हैं, तो बेटा मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, प्लीज अच्छे से समझ लेना, उसके बाद मैं पिक्स डाल दूंगा, है ना, कि सर मेंबरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या है, मेंबरशिप कितने का है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेंबरशिप का चार्ज सिर्फ 300 रुपीज है। ओके, अब देखो इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है। आपको डेली का टाइम टेबल मिलेगा पढ़ने के लिए, कि आपको डेली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको अकाउंटेंसी के फुल सॉल्यूशन मिलेंगे डीके गोयल के हर चैप्टर के। सब कोर्स कराया जाएगा आपको, अकाउंटेंसी का भी, बिजनेस का भी और इकोनॉमिक्स का भी। हर चैप्टर की केस स्टडी मिलेगी आपको बिजनेस स्टडी की। डेली मैं आपके साथ रहा करूंगा 7 से 8:30 बजे तक डेली। आपके कोई डाउट्स हैं, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में 7 से 8:30 तक। हर संडे का आपका टेस्ट रह करेगा, जो आपका शेड्यूल टाइम टेबल मैंने बताया है उसके अनुसार। पेपर में, बोर्ड के पेपर में आपको कैसे आंसर राइट करना है, किसका कैसे जवाब देना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज, ये सारी फैसिलिटी मैंने सिर्फ जस्ट 300 रुपीज में रखी है, ओके ना। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो को पॉज करके व्हाट्सएप सेव कर लेना, 9690105047। यहाँ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में देखो, एक्सके लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 320,000 इक्विटी शेयर्स, ओके, 10 ईच, प्रीमियम है 5 का, यानी कि 10 और 5 15। अमाउंट पेबल है ऐसे, एप्लीकेशन 3 जिसमें प्रीमियम है 1 की, अलॉटमेंट 5 जिसमें प्रीमियम है 2 का, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। तो बैलेंस यानी कि 3,20,000, वो 10 ये है और 5 ये है, 10 और 5 15, 3 और 5 8, तो 15 में से 8 गया, तो 7 की क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ओके सर। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो ये 4 लाख की, 3,20,000 शेयर इशू करे थे और रिसीव कितने हुए, 4 लाख की, यानी कितने ज्यादा सर, 80,000। 80,000 में से 40,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए सीधा सीधा, और बाकी का हमने क्या करा, प्रोराटा कर दिया। एक्सिस मनी रिसीवेबल एप्लीकेशन ठीक है एडजस्ट कर दिया। जीवन जिसको 800 शेयर दिए थे, अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया, और अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, उसके बाद फाइनल कॉल बनाई गई। गणेश जिसने 2700 शेयर अप्लाइड किए थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर भी फॉरफिट कर दिए। इन शेयरों में से 1500 शेयर रिशूड हुए 8 पर शेयर के हिसाब से, जिसमें से जीवन यानी कि 800 शेयर सारे रिशूड हो गए, और 2700 में से बचे कुछ, यानी कि 2700 में से अप्लाइड किए थे पर निकालने के कितने अलॉट किए, उनमें से 700 शेयर रिशूड करें। अच्छा क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 63। एक एक स्टेप देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 63। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट DR 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 4 लाख शेयर था, 4 लाख × 3 ये आपका आएगा 12 लाख, 12 लाख। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री देखो बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 2, शेयर कैपिटल अकाउंट 2, रिटर्न भी कराया एडजस्ट भी कराया, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्योंकि एडजस्ट किया, 2 बैंक क्योंकि 40,000 शेयर रिजेक्ट किए, 40,000 शेयर का पैसा रिजेक्ट किया, और सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, ठीक है ना। तो यहां तो मैं अमाउंट डाल दे रहा हूं 12 लाख। यहां देखिए 40,000 रिजेक्ट किया था, तो 40,000 × 3 यानी कि 1,20,000 बैंक में, 40,000 ही एडजस्ट करें तो 40,000 × 3 1,20,000 शेयर अलॉटमेंट में, प्रीमियम था 1 का, तो 3,20,000 × 1 यानी कि 3,20,000 ही आएगा, और एप्लीकेशन 3 का है जिसमें से 1 का प्रीमियम, यानी कि 2 का क्या है एप्लीकेशन, 3,20,000 × 2 ये आएगा हमारा 6,40,000। इन सबको मैं जोड़ूंगा, यानी कि 6,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,20,000, तो ये आएगा 12 लाख।
ये दो एंट्री हो गई, समझ में आ गई। ओके बेटा, अब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की एंट्री पहली क्या होगी सर? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सर अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, 3,20,000 इंटू अलॉटमेंट कितने का था बेटा? अलॉटमेंट 5 का था तो 16,00,000 अलॉटमेंट में यहां, जिसमें से प्रीमियम था 2 का, तो 3,20,000 इंटू 2, 6,40,000 प्रीमियम में, और 16,00,000 में से 6,40,000 माइनस करोगे तो 9,60,000 हमारा शेयर कैपिटल में। अब बेटा अलॉटमेंट मनी रिसीव की पहले एंट्री देखो फिर अमाउंट देखेंगे। अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। अब इसका अमाउंट पे ध्यान देना बेटा, अमाउंट कैसे आएगा सर? 3,20,000 शेयर्स थे और अलॉटमेंट थी हमारी 5 की, 3,20,000 × 5 यानी कि सर 16,00,000, जिनमें से 1,20,000 यहां हमने एडजस्ट कर दिया यानी कि पहले से ही आ गया। तो 16,00,000 में से जब आप 1,20,000 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 14,80,000। अब देखो बेटा, जीवन जिसने को 800 शेयर अलॉट करे थे उसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, 800 शेयर अलॉट करे थे तो उसने अप्लाइड कितने करे थे वो निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। टोटल शेयर अप्लाइड 4,00,000 थे जिसमें 40,000 रिजेक्ट कर दिया यानी बचे कितने 3,60,000। टोटल शेयर अप्लाइड अपॉन टोटल शेयर अलॉटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, इसको सॉल्व करूंगा 3,60,000 डिवाइड बाय 3,20,000 इंटू 800 यानी कि ये मेरा आएगा 900 शेयर। इसका मतलब क्या है सर कि उसने 900 शेयर के लिए अप्लाइड किए थे, 800 शेयर दिए गए यानी कि 800 का पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पे, तो 800 इंटू 5 4,000 रुपये नहीं दिए, लेकिन ये 100 जो शेयर है इसका पैसा वो दे चुका है एप्लीकेशन पर ही, तो 100 इंटू एप्लीकेशन थी 3 की यानी कि 300, तो 4,000 में से 300 माइनस करूंगा तो ये बचा 3,700 रुपये। तो 14,80,000 में से 3,700 माइनस करूंगा तो ये आएगा मेरा 14,76,300। तो ये हमारी है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यही सबसे बेसिक आंसर था, 14,76,300 14,76,300। अब इसके तुरंत बाद इन शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया गया, तो फॉरफिट की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिया जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, उसका पैसा नहीं दिया गया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ओके, 800 शेयर्स थे, देखो 3 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट, 3 और 5 8, जिसमें से 3 का प्रीमियम था यानी कि 800 इंटू 5 4,000 शेयर कैपिटल में, प्रीमियम था 2 का यानी कि 800 इंटू 2 1,600 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, पैसा उसने किस चीज का नहीं दिया था अलॉटमेंट में, अभी हमने निकाला था पैसा किसका नहीं दिया सर? अलॉटमेंट का नहीं दिया 3,700 रुपये, बचे कितने 4,000 प्लस 1,600 माइनस 3,700 यानी कि 1,900 रुपये का क्या आया शेयर फॉरफिचर का बैलेंस। इसके बाद फाइनल कॉल बनाई गई, तो फाइनल कॉल की फॉरफिचर होने के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बनाई गई, तो बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पहली एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बहुत से बच्चों पर ये गलती हो रही है कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो बच्चों, प्रीमियम कितने का था? 5 का था, 1 का एप्लीकेशन पर हो गया, 2 का अलॉटमेंट पर हो गया, तो बचा कुचा 2 किस पर है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ओके सर, तो देखो बेटा 3,20,000 शेयर्स थे जिसमें से 800 फॉरफिटेड हो गए, तो 3,19,200 इंटू 7
ये अमाउंट आएगा यहाँ 22,34,400, 2 का प्रीमियम है यानी कि 3,20,000 माइनस 800 इंटू 2 यानी कि 63,8,400 का प्रीमियम है, तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? ₹1,596,000। अब फाइनल कॉल रिसीप्ट की एंट्री, बैंक अकाउंट DR, 2 शेयर, फर्स्ट 10 फाइनल कॉल अकाउंट। यहां समझने वाली बात है बेटा, देख क्वेश्चन में कह रहा है गणेश ने 2700 शेयर अप्लाइड करे थे, तो मैंने आपको बताया जब हमें अलॉटेड शेयर हम निकालने अप्लाइड दे रखे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, टोटल शेयर अलॉटेड अपॉन टोटल शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। इसको आप सॉल्व करोगे 3,20,000 डिवाइड बाई 3,60,000 इनटू 2700, तो ये आएगा 2400 शेयर, यानी कि 2400 शेयर दिए थे, 2700 मांगे थे। अब देखो बेटा 3,00,000 शेयर्स थे, दो सॉरी 3,20,000 शेयर्स थे जिसमें से 800 तो फॉरफिट कर दिए और 2400 का पैसा और नहीं आएगा, तो कितने शेयर बचे? 3,20,000 माइनस 800 माइनस 2400, तो ये आएगा हमारा 3,16,800। तो 3,16,800 इंटू 7 करेंगे तो ये आएगा हमारा 2,21,760, 2,21,760। अब ये शेयर भी फॉरफिटेड कर दिए गए तो इनकी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR, क्यों? क्योंकि फाइनल कॉल पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम है और उसका ही पैसा नहीं दिया गया। 2 शेयर, फर्स्ट 10 फाइनल कॉल अकाउंट और 2 शेयर फॉरफिचर। अमाउंट देखो बेटा कितना आएगा, 2400 शेयर्स थे तो 2400 इंटू 10 24,000, तो यहां 2 का प्रीमियम था तो 2400 इंटू 2 4,800, यहां 7 का हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था 2400 इंटू 7 16,800, यहां और 24,000 प्लस 4,800 माइनस 16,800, तो ये आएगा शेयर फॉरफिचर में 12,000। अब क्या हुआ है सर कि 1500 शेयर रीशूड हुए हैं, कितने हुए हैं? 1500 शेयर्स, तो एंट्री क्या होगी? और डिस्काउंट पे हुए हैं बेटा 8 पे, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर थे बेटा? 1500 इंटू 10 करना था 15,000 और 1500 इंटू 8 किया है, 1500 इंटू 8 यानी कि 12,000, तो डिस्काउंट कितने का है? 3,000 का। अब बेटा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट समझना आपको, जीवन के शेयर तो सारे रीशूट कर दिए, तो जीवन के शेयर जब हमने फॉरफिटेड करे थे तो हमें कितना वो आया था बेटा? जीवन के शेयर हमने फॉरफिट करे थे तो हमें आया था 1900 रुपये, तो यहां 1900 रुपये का प्रॉफिट। उसके बाद जब हमने गणेश के करे तो देखो बेटा 12,000 का प्रॉफिट आया था, शेयर्स कितने थे? 2400, लेकिन अब रीशूट कितने हुए उनमें से सर? 700 कैसे हुए? टोटल शेयर 1500 रीशूट हुए हैं जिनमें से जीवन के 800 हुए हैं, तो बचे कितने? 700। तो इसको सॉल्व करेंगे 12,000 डिवाइड बाई 2400 इंटू 700 यानी कि 3500, तो 1900 और 3500 करोगे तो 5,400। डिस्काउंट कितने का है? 3,000 का है सर, तो कैपिटल में कितना आएगा? 2400 रुपये, तो एंट्री क्या होगी सर? शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 2400 रुपये। तो बेटा हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ फॉरफिचर का, कैपिटल रिजर्व में कितना? 2400 रुपये। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 63 कंप्लीट हो गया।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, मॉडर्न लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर 10 ईच और 6 का प्रीमियम है, यानी कि मॉडर्न लिमिटेड ने कितने शेयर निकाले हैं, 2 लाख शेयर, 10 का ईच था, 6 का प्रीमियम यानी कि 16 पर ईच, एप्लीकेशन 5 की 2 का प्रीमियम, अलॉटमेंट 5 की 2 का प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3 की 1 का प्रीमियम, सेकंड फाइनल कॉल 3 की 1 का प्रीमियम। ओके सर, अब देखो एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है, 2,60,000 यानी कि 60,000 शेयर्स ज्यादा, और प्रोराटा कितने का कराया है, 2,50,000 का, यानी कि रिटर्न कितने कर दिए सर, 10,000। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन फॉर दी शेयर वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड अलॉटमेंट, जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। ए जिसने अप्लाई करे थे 1,000 शेयर फेलियर टू पे अलॉटमेंट मनी एंड शेयर वर फॉरफिट अलॉटमेंट, ए जिसने 1,000 शेयर अप्लाइड करे थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसके शेयर फॉरफिट कर दिए। बी जिसने 1,500 शेयर अप्लाइड करे थे उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर भी फॉरफिट कर दिए। इन दोनों शेयर में से 1,800 शेयर रिश्यूड हुए फुली पेड फॉर 15 पर शेयर, यानी कि ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम पर रिश्यूड हुए हैं, जिसमें से बी के सारे रिश्यूड हो गए और ए के बचे कुछ है, यानी कि 1,800 में से 1,500 बी के, तो बचे 300 ए के। ओके, कैश बुक बनानी और जनरल बनाना है। ओके बेटा, सबसे पहली बात मैं एक और बात बता दूं कि जब कभी भी क्वेश्चन में हम कैश बुक बनाते हैं तो जो रिसीप वाली एंट्री होती है, मनी रिसीप वाली एंट्री होती है, या जहां जहां बैंक आता है उसकी एंट्री नहीं पास करते, लेकिन मैं यहां इसलिए पास करता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली सम समझ में आ जाए कि क्या कैसे आया है। तो पहली एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट DR, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा आया सर, 2,60,000 इंटू 5 यानी कि 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपए हमारा प्रीमियम पर आया। उसके बाद एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री पर ध्यान देना बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्योंकि रिजेक्ट भी हुआ है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्योंकि एडजस्ट भी हुआ है, और टू सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी है। ओके बेटा, अब देखते जाएंगे, रिजेक्ट करें 10,000, तो 10,000 इंटू 5, 50,000 बैंक में, एडजस्ट करें 50,000, तो 50,000 इंटू 5, 2,50,000 शेयर अलॉटमेंट में, प्रीमियम कितने का था बेटा, 2 का था, तो 2 लाख इंटू 2, 4 लाख प्रीमियम में। और बेटा देखो, 5 का अलॉटमेंट था जिसमें से 2 का प्रीमियम था, तो एप्लीकेशन कितने की है, 3 की, तो 2 लाख इंटू 3, 6 लाख शेयर कैपिटल में। इन सब का मैं जोड़ करूंगा, 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 4 लाख, ये आएगा हमारा 13 लाख, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब सर अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट पर भी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2 लाख रुपए था और अलॉटमेंट पर है 5, यानी कि 10 लाख रुपए। अलॉटमेंट कितने की है बेटा, 2 की है, तो 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपए प्रीमियम में और 6 लाख रुपए शेयर कैपिटल में। अब जो मेन चीज है वो है रिसीप्ट वाली, अलॉटमेंट मनी रिसीप्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन पैसा कितना रिसीव होगा सर वो देखिए। देखो बेटा, 2 लाख शेयर्स था और अलॉटमेंट था 5 का, तो 2 लाख इंटू 5, पैसा आना था 10 लाख रुपए, जिसमें से 2,50,000 रुपए पहले ही आ चुका, एडजस्ट हो चुका, तो 10 लाख में से 2,50,000 रुपए जाएगा, तो कितना बचा, 7.5 लाख। अब देखो बेटा, यहां ए जिसने 1,000 शेयर अप्लाइड करे थे सर, देखो अब हमें अलॉटेड निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 इनटू 1,000,
यानी कि जिन्होंने 1,000 शेयर अप्लाइड करे थे उन्हें हमने दिए 800। तो बेटा उन्होंने 800 शेयर का पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पर, यानी कि 800 इंटू 5 4,000। लेकिन ये जो गैप था 200 का, 200 का पैसा दे दिया उनने एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन भी 5 की यानी 1,000, तो पैसा कितना नहीं आया 3,000। तो 7,50,000 में से 3,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 7,47,000। तो पहला आंसर यही था आपका, 7,47,000। देखेंगे अलॉटमेंट का अमाउंट, कैश रिसीव अलॉटमेंट 7,47,000। इसके तुरंत बाद बेटा ये शेयर्स हमारे फॉरफिटेड हो गए। ओ हो सर, एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, प्रीमियम भी था बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर, किसका पैसा नहीं आया? अलॉटमेंट का, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बाकी का जो बचा कुचा है वो हमारा हो गया शेयर फॉर फ्यूचर, है ना। अब बेटा देखो कितने शेयर्स थे सर, 800 शेयर्स थे। तो 800, अब यहाँ देखो एप्लीकेशन 5 का था, अलॉटमेंट 5 का था, 5 और 5 10, लेकिन प्रीमियम कितने का था? 4 का था, यानी कि 10 में से 4 माइनस करें 6, तो 800 इंटू 6 4,800। यहां पर प्रीमियम कितना का था बेटा? 2 का था, तो 800 इंटू 2 1,600। यहां पर अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया सर? 3,000। तो 4,800 प्लस 1,600 माइनस कर दूं मैं 3,000, तो ये आया मेरा शेयर फॉरफिचर में 3,400 रुपये। इसके बाद बेटा हमने फर्स्ट के बाद हुई फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सर फर्स्ट कॉल पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी था, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट देखो बेटा 2 लाख शेयर्स थे जिसमें से 800 शेयर फॉरफिटेड कर दिए गए, यानी कि 1,99,200। तो 1,99,200 इंटू 3 यानी कि 5,97,600। उसके बाद प्रीमियम कितने का था बेटा? सर प्रीमियम था हमारा 1 का, तो 1,99,200 इंटू 1, ये 1,99,200 यहाँ, और 5,976,00 में से 1,99,200 माइनस करूंगा तो ये 3,98,400 यहाँ। उसके बाद फर्स्ट कॉल में मनी कितनी रिसीव हुई उसका देखना है। बैंक अकाउंट डीआर, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहां समझना बेटा, बी 1,500 शेयर जिसने अप्लाइड करे थे, अब हमें क्या निकालना है? अलॉटेड कितने करे, तो इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 1,500। इसको करोगे 2 लाख डिवाइड बाई 2.5 लाख इंटू 1,500, यानी कि जिन्होंने 1,500 शेयर अप्लाइड करे तो उन्हें कितने दिए? 1,200। तो देखो बेटा 2 लाख में से 800 शेयर तो फॉरफिट कर दिए, और अब 1,200 शेयर का पैसा नहीं आना, यानी कितने का आना? 1,98,000 शेयर का। तो 1,98,000 इंटू 3 यानी कि 5,94,000। उसके बाद आगे चले फाइनल कॉल की एंट्री। फाइनल कॉल पर भी सर प्रीमियम है, ओहो सेकंड फाइनल कॉल, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहां देखना बेटा सेम वही चीज, 1,99,200 इंटू 3, 5,97,600 यहां, यहां भी प्रीमियम 1 का था, तो 1,99,200 यहां और 3,98,400 यहां। उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया बेटा,
बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहां भी हमारा 1,99,203 और 1200 शेयर का पैसा नहीं आया, तो इंटू 3 यानी कि 594,000 यहां भी आएगा। अब देखो बेटा, इसके बाद ये शेयर भी फॉरफिट हो गए, तो सर एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर टू, किसका पैसा नहीं दिया, शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, शेयर फाइनल कॉल का नहीं दिया और टू शेयर फॉरफिटेड। अब देखो बेटा यहां क्या है सर, 1500 × 10 होना था यानी कि 1200 × 10 यानी कि 12,000। प्रीमियम कितना है, एक का फर्स्ट कॉल पे और एक का फाइनल कॉल पे, यानी कि 1200 × 2 = 2400। फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना नहीं आया, 1200 × 3 = 3600। सेकंड कॉल पे भी 3600 का पैसा नहीं आया, तो फॉरफिचर में अमाउंट कितना जाएगा, 12,000 प्लस 2400 माइनस 3600 माइनस 3600 यानी कि 7200 शेयर फॉरफिचर में। अब देखो बेटा रीशूट करे हैं 1800 शेयर, इसमें से बी के पूरे कर दिए और ए के रिमेनिंग। तो देखो बेटा रीशूट की पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर, और रीशूट जो करें वो करें सर प्रीमियम पर, तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर कितने थे बेटा, 1800, तो 1800 × 10 करना चाहिए था यानी कि 18,000 करे हैं, 1800 × 15 यानी कि 27,000। तो प्रीमियम कितने का है बेटा, 9,000 का प्रीमियम। अब देखो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि बी के 1200 शेयर्स का सारे रीशूट कर दिए, तो 1200 शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ था, 7,200, और जो ए के शेयर थे 800, इसमें से रिमेनिंग करें टोटल 1800 शेयर रीशूट करें, 1200 यहां चले गए तो यहां कितने रीशूट होंगे, 600। तो बेटा कितना प्रॉफिट हुआ था 800 शेयर्स वाले पे, हमें 800 शेयर्स वाले में प्रॉफिट हुआ था 3400। तो बेटा 3400 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 600, इसे सॉल्व करूंगा मैं तो ये मेरा आएगा 2550। तो 7200 प्लस 2550 ये आएगा मेरा 9750। तो बेटा कैपिटल रिजर्व में भी मेरा यही अमाउंट जाएगा, कितना जाएगा सर, एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 9750। आंसर दिखाएंगे 9750 कैपिटल रिजर्व। अब देखते हैं बेटा कैश एट बैंक यानी कि कैश अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो बेटा एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिला था सर हमें, 260,000 × 5 यानी कि 13,00,000 रुपए। अलॉटमेंट पर कितना मिला था, 7,47,000। फर्स्ट कॉल पर कितना मिला था, 594,000। फाइनल कॉल पर भी इतना ही मिला था, 594,000। रिटर्न करे थे बेटा हमने बाय शेयर एप्लीकेशन, रिटर्न कितने की खरीदी सर हमने, 10,000 की, तो 10,000 × 5
50,000 हमने करे थे रिटर्न, रीशूट हुआ था उसमें कितना पैसा आया, 2 शेयर कैपिटल 27,000। अब मैं जोड़ता हूँ जरा, 13 लाख प्लस 7,47,000 प्लस 5,94,000 प्लस 5,94,000 प्लस 27,000। अब इसमें से 32,62,000 में से 50,000 माइनस करूँगा तो ये मेरा आएगा 32,12,000 का बैलेंस। तो बाय बैलेंस 32,12,000। आंसर देखेंगे 32,12,000। अब एक चीज देखो बेटा, बैलेंस ऑफ फॉरफिचर निकालते हैं। जो 800 शेयर फॉरफिट करे थे उसमें बेटा हमारा अमाउंट कितना निकला, 800 शेयर फॉरफिट उसमें थे 3400 रुपये, और जब 1200 शेयर फॉरफिट करे थे उसमें थे 7200 रुपये। तो 7200 में मैं जब 3400 ऐड करूंगा तो ये मेरा आएगा 10,600, और 10,600 में से 9,750 हो चुका तो कितना आएगा बैलेंस, 850। ये शेयर फॉरफिचर का बैलेंस है। तो देखो बेटा ये आ गया हमारा रिसीप्ट, आ गया बैलेंस ऑफ फॉरफिचर, आ गया कैपिटल रिजर्व आ गया। अब बात आई प्रीमियम की, तो आई होप प्रीमियम आप निकाल लोगे, है ना। तो बेटा आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 63 हो गया, क्वेश्चन नंबर 64 हो गया, अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 से। हाँ, अगर अभी भी सिक्योरिटी में आप कहीं निकल पाओ तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगली वीडियो से पहले।